मॉर्निंग बच्चों, आज हम नंबरों के क्रम के बारे में जानेंगे, आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। टॉमी एक पालतू कुत्ता है, उसने सीढ़ियों के ऊपर एक हड्डी देखी और उसे लेने के लिए वह तेजी से ऊपर चढ़ा। सीढ़ियों पर नंबर इस प्रकार लिखे थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मुझे बताइए बच्चों, यहाँ सबसे छोटा नंबर कौन सा है? है 1। और यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 2 1 से बड़ा है, और 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा है 5, 5 से बड़ा है 6, 6 से बड़ा है 7, 7 से बड़ा है 8, 8 से बड़ा है 9, और 9 से बड़ा क्या है बच्चों? बिल्कुल सही, 10। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 10। तो जब टॉमी ऊपर चढ़ा तो उसने सबसे छोटे नंबर 1 से शुरुआत की, फिर वह 2 पे चढ़ा, फिर 3 पर, और सबसे आखिर में वह सबसे बड़े नंबर यानी नंबर 10 पे चढ़ा और वह हड्डी तक पहुंच गया। तो हमने देखा टॉमी सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर तक पहुंचा। जब हम छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर तक पढ़ते हैं तो नंबरों के इस क्रम को असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम कहते हैं। चलिए अब हम बच्चों के एक समूह को देखते हैं। देखिए यहाँ पर सभी बच्चों की लंबाई में अंतर है, इनमें से सबसे लंबा कौन है? यह बच्चा सबसे लंबा है, उसने ग्रे रंग की टी शर्ट और पैंट पहन रखी है। सबसे छोटी लंबाई किस बच्चे की है? वह बच्चा जिसने सफेद शर्ट पहनी हुई है। यदि ये सब बच्चे एक दूसरे के पीछे खड़े होकर टीवी देखना चाहते हैं तो इन्हें कैसे खड़ा होना पड़ेगा ताकि वे सब ठीक से टीवी देख सकें? देखिए यहाँ पर बच्चे अपनी ऊंचाई के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में यानी कि छोटे से बड़े क्रम में खड़े हैं। वह बच्चा जिसकी ऊंचाई सबसे कम है वह सबसे आगे खड़ा है और उससे लंबा लड़का उसके पीछे खड़ा है। अब सबको टीवी ठीक से दिखेगा, सही है ना? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर बच्चे अपनी ऊंचाई के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में खड़े हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चे अपनी ऊंचाई के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हैं। चलिए अब देखते हैं कि हड्डी लेने के बाद टॉमी कैसे नीचे उतरा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इस समय वो सबसे बड़े नंबर 10 से सबसे छोटे नंबर 1 की ओर गया। जब हम सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या की ओर जाते हैं तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम कहा जाता है। हाँ, यही डिसेंडिंग ऑर्डर है। चलिए फिर से बच्चों की बात करते हैं। यदि कोई बदमाश बच्चा आ जाता है तो कैसे छोटे बच्चे उसे छुपते हैं? एक के पीछे एक खड़े होकर। यदि वे अपनी ऊंचाई के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में खड़े होते हैं जैसा कि उन्होंने टीवी देखते समय किया था, तब तो वे सब नजर आ जाएंगे। इसलिए वे ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में नहीं खड़े होंगे यानी कि वे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं खड़े हो सकते। तो उन्हें कैसे खड़े होना चाहिए? देखो बच्चे कहाँ छुपे हैं। तो बच्चे जिनकी ऊंचाई कम है वे सबसे लंबे बच्चे के पीछे खड़े हैं, जिससे कि बदमाश बच्चा उन्हें देख नहीं पाएगा। इस प्रकार वहाँ बच्चे अपनी ऊंचाई के अनुसार घटते हुए क्रम में खड़े हैं
यानी कि बड़े बच्चे से छोटे बच्चों की ओर। तो हम कह सकते हैं कि वे अपनी ऊंचाई के डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़े हैं, ठीक है ना बच्चों? चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। यदि एक कुत्ता 2, 4, 6, 8, 10 नंबर के पत्थरों का उपयोग करता है, तो वो नंबरों के किस क्रम का उपयोग कर रहा है? ये असेंडिंग क्रम है, क्योंकि वो सबसे छोटी संख्या